खत्तर साहब के सपने में तो जेजेपी आया करती थी, भाषण में कहा करते थे जेजेपी झूठ बोलती है, दो दिन तीन दिन पहले ट्विटर पे ट्वीट करते हैं जेजेपी झूठी पार्टी है। पर आज प्रधानमंत्री जी विश्व ब्राह्मण को छोड़ के हरियाणा ब्राह्मण पे उतरे हुए। पहले कहते थे चार रैली करेंगे, ये आपकी मेहनत है, आप बधाई के पात्र हो, नौ रैली करवा दी। और आज मंच पे खड़े होकर क्या कहते हैं, जेजेपी पुरानी विचारधारा की पार्टी, उनका तो दायरा सीमित हो गया। जेजेपी युवा की नहीं सोचती। प्रधानमंत्री जी आप लोकदल की बात कर रहे होंगे, जेजेपी तो 11 महीने पहले बनी हुई पार्टी है, जो लड़ाई आपके जैसे साथियों, मैं तो आपको इतना बोल सकता कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की बात हो बीजेपी की बात हो, पिछले दो तीन दिनों से राजनीतिक सरगर्मियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं आज सुबह देख रहा था तो कह रहा है सोनिया गांधी आ रही है, नरेंद्र मोदी आ रहा है, अमित शाह आ रहा है, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, सनी देओल आ रहा है, हेमा मालिनी आ रही है, अशोक गहलोत आ रहा है, सचिन पायलट आ रहे हैं, मेरा भी किस किस के नाम लिख दिए। मगर इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लिख के ये कह दे रणदीप सुरजेवाला उसके दूसरे हल्के में प्रचार कर जा रहा है। और आप बधाई के पात्र हो, मैं उचारा से चुनाव लड़ रहा हूं, वीरेंद्र सिंह जी उनकी बहू उनका छोरा तीनों वोटे डाले बैठे हैं, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने हमने तो एक गरीब सा फौजी उतार दिया तेज बहादुर, मेरे पत्रकार साथी खड़े हैं, कल परसों आपके यहां सभा करके गया और नाइट से कड़ा किया करनाल, क्यों पसीने चढ़ा दिए तेज बहादुर जी। साथियों आज ऐसी कोई सीट नहीं है हरियाणा प्रदेश में जहां आप या तो डायरेक्ट मुकाबले में हो या त्रिकोणीय मुकाबले में, और उन परिस्थिति में मैं तो आपको एक चीज कहूंगा कि जो आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति बन रही है, जो चंडीगढ़ के विधानसभा का ताला है, उस ताले को तो सिर्फ चाबी खोलेगी। ये पत्रकार साथी बारी बारी पूछ लेते हैं चुनाव के बाद अलायंस किससे करोगे, चुनाव के बाद क्या कदम उठाओगे। साथियों ताले को छल्ला तो नहीं खोल सकता, चाबी खोलेगी तो चाबी ही खोलेगी, छल्ला कोई सा बन जाएगा। राज को जेजेपी ही बनाएगी, वो परिस्थितियां देखेंगे कि 24 तारीख को जनता हरियाणा प्रदेश की कितनी सीटों पर जिताने का काम करेगी। मैं आज कैथर की जनता से अपील करने आया हूं। साथियों आज आपके सामने दो ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनके पास शायद पीछे ही भी कोई कमी ना। आज अखबार देख लो, टीवी देख लो, मुकाबला चल रहा है किसकी फोटो दिखेगी, फोटो दिखेगी। इन दो खारड़ों की लड़ाई में हमारी गौ हत्या ना कर दी है। सबसे बता रहा और आज के दिन पूरे हरियाणा में इस चीज की चर्चा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं थी कि जिला परिषद के मेंबर को, किसी सरपंच को, किसी छात्र को, किसी टीचर को, किसी फौजी को चुनाव लड़ा के दिखा दे। ये दम हमने दिखाया, तेवा से एक टीचर लड़ाया, आपके यहां से सरपंच लड़ाया, आप चले जाओ करनाल में एक फौजी लड़ाने का काम किया, कुरुक्षेत्र के अंदर एक छात्र लड़ाने का काम किया। यही सोच परिवर्तन लेकर आ रही है। और मोदी जी ये सोच पुरानी नहीं है, विचार चौधरी रविलाल से है, मगर सोच 2019 की है, 2019 में खड़ी हुए सत्य की है।
50 रुपये वाला जी की बात है। साथियों 10 महीने पहले पुरानी बात भूले हो नहीं भूले, जींद में क्या बोलता था, ये तो 200-300 छोरे हैं, कमर लगाई थी नहीं लगाई थी छोरे ने, जमानत कितने से बची थी, 800 वोटों से, थोड़े से करने हो जाओ 800 वोटों वाली एक गलती तो होगी थी। उस समय पता होता इसकी ऐसी हालत है, मेरे ख्याल से बदला देगा था कुछ पकड़ लेता तो भी 800 वोट, मगर आज आपके हाथ में मौका है। इस बीजेपी को तो जहां 75 पार में हरियाणा की जनता बॉर्डर पार कराएगी, अब रणदीप सुरजेवाला जैसे लोगों को भी सबक सिखाना पड़ेगा। जो कहता है ना मंच से कि मेरे षड्यंत्र की वजह से अजय सिंह जी जेल गए, चौटाला साहब जेल गए। साथियों षड्यंत्रकारी की कोई समाज में जगह होती है? ये तो खुद रिकॉर्ड पे कही गई बात है। आज समाज से आग्रह करता हूं कि इनका कोई डंडे बंदूकों से इलाज बांधने की जरूरत नहीं, इनका तो चाती वाले बटन इतने दबा दिए कि 24 तारीख ने टी 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 करते ही है। साथियों मोटा भाई छोटा भाई हरियाणा के ब्राह्मण पे आके गए, क्या कर गए, 370 हटा दिए, बालाकोट पे अटैक कर दिया, राष्ट्र हित के लिए वोट दो, चुनाव कड़े का है हरियाणा का, एक भी नहीं बोला रोजगार दिए, पानी बिजली दी, सुरक्षा बढ़ाई गई, अपराध कम किया गया, कोई बीजेपी वाले के मुंह से बोलते हुए सुना है? आज तो एक चीज सुनोगे कोई ये नहीं कहता खट्टर न्यू कर गया। पूरे दिन बीजेपी वाले यू भोपूसा पकड़ के कहते हैं मोदी ने न्यू कर दिया। साथियों न्यू कर दिया तो कह देते हैं, पर कोई पूछने वाला हो ब्याह तो खट्टर का फोटो मोदी जी का। अब आपके हाथ में फैसला है। आज कांग्रेस की हालत ये हो चुकी कि भूपेंद्र हुड्डा स्टेज से घबरा के कहता है भाई बीते हैं कुलेश्वरी इलेक्ट्रिकल के अंदर हरियाणा के कितने, 2। 78 बार के मुख्यमंत्री तो कैमरे में मान गया कि हमसे गलती होगी। साथियों ग्रुप डी की क्या हालात थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, 17,000 पोस्टों के लिए 300-300 किलोमीटर 18 लाख बच्चों को धक्के खाने के, 18 लाख बस में न्यू गए। अब क्लर्क की भर्ती निकली, 15 लाख बच्चों को वैसे ही 300 किलोमीटर धक्के खाने थे। मैं तो धन्यवाद करूंगा हमारी उस बहन का जिसने वीडियो डाली फेसबुक पर, पेपर देने के बाद कहा कि खट्टर साहब मैं तो 300 किलोमीटर धक्के खाए, पेपर भी आउट ऑफ सिलेबस था, मगर फिर भी कोई बात नहीं, मगर 21 तारीख को हरियाणा की जनता धारा भी पेपर सेट करेगी, और ऐसा पेपर सेट करेगी कि 24 तारीख को 75 पार नहीं जमुना पार कराने का काम